आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र का पर्व लगातार जारी है। अष्टमी और नवमी एक साथ 11 अक्टूबर शुक्रवार 2024 को मनाई जा रही है। जैसा जानकार बता रहे हैं उसके हिसाब से अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ ही मनाई जाएंगी और उसके बाद शनिवार 12 अक्टूबर को दशहरा संपन्न होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जगह जगह पंडालों में माता विराजी हैं। ये गिरजाकुंड का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। गिरजाकुंड में माता रानी यहाँ पर विराजी हुई आपको दिख रही होंगी। सुंदर प्रतिमा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं महावीर मढ़िया के पास का, ये नज़ारा देखिए कितने सुंदर तरीके की झांकियाँ और जीवंत झांकियाँ प्रतीत हो रही हैं। किस तरह से उनके हाथ पैर मुंह सब हिलते हुए आपको प्रतीत हो रहे होंगे। भक्तों के लिए ये बहुत आकर्षण का केंद्र इस तरीके की झांकियाँ और प्रतिमाएं होती हैं जो जीवंत प्रतीत हों। ये देखिए यहाँ पर माता विराजी हुई हैं और एक और यहाँ पर झांकी आपको दिखाई दे रही होगी। महावीर मढ़िया के पास का ये नज़ारा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बार पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल गरबा लगातार होने से बहुत सारे श्रद्धालु पंडालों की ओर रुख नहीं कर पाते हैं। गरबे का आकर्षण इस कदर होता है। वैसे गरबे को लेकर ज़बरदस्त तरीके से रार चलती रही। लोगों का कहना था कि गरबे में अश्लीलता बहुत ज़्यादा परोसी जाती है। महावीर मढ़िया दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा रखी गई माता रानी यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अब इसके बाद हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं महावीर वार्ड के मिलन चौक के पास में यहाँ विराजी हुई है दुर्गा। आप देख सकती हैं सफ़ेद रंग का पीछे पार्श्व में डेकोरेशन पंडाल। माता रानी विराजी हैं अपने वाहन सिंह के ऊपर, शेर के ऊपर, शेर की सवारी करती हुई माता। अलग ही इनकी अलख, अलग ही इनका रूप, अलग ही इनका तेज आपको दिखाई दे रहा होगा। पंडालों में इस बार भीड़ उमड़ने का कारण गरबा काफ़ी हद तक गरबे को लेकर गरबा संचालकों के द्वारा ये सहमति बनाई गई कि नवरात्र के उपरांत उनके द्वारा गरबा अगर कराया जाता है तो वो ज़्यादा उचित होगा। पंडालों में जिस भाव से माता को विराजित किया जाता है, पिछले 2-3-4 दशकों में जो भीड़ थी वो भीड़ धीरे धीरे गरबे की तरफ मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। अब ये जो हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं ये नस फैक्ट्री पुराने लोग जानते होंगे कि नस फैक्ट्री कहाँ हुआ करती थी। दरअसल मठ तालाब से अगर आप छिंदवाड़ा रोड तरफ जाते हैं तो दाएं हाथ की तरफ एक पीले रंग की बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ नस फैक्ट्री हुआ करती थी। सिवनी में नस बना करती थी। कालांतर में वो फैक्ट्री बंद हो गई और उस फैक्ट्री के बंद होने के बाद वहाँ धीरे धीरे बसाहट बढ़ती चली गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नस फैक्ट्री का ही हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। नस फैक्ट्री में सामने से किस तरह यहाँ पंडाल बनाया है ये भी हम दिखाते हैं आपको। और पंडाल में उमड़ती भीड़ आपको अलग दिखाई दे रही होगी। लोगों का कहना है कि जिस तरह इस बार गरबा संचालकों के द्वारा स्वयं अपने आप उनके द्वारा ये बात स्वीकार की गई, ये बात इस बात पर सहमति जताई गई कि इस बार जो भी गरबा होगा वो नवरात्र के बाद होगा। उसके बाद ये देख सकते हैं इतनी भीड़ भी पिछले कुछ सालों में दिखाई नहीं दे रही थी।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है वो बहुत इबारत, बहुत काम की इबारत यहाँ पर लिखी हुई है। इधर आप देख सकते हैं, सूखा नशा करने वालों की ये दशा अब राज करेंगे। दरअसल सिवनी, इस तरीके की चर्चाएं कि सिवनी में सूखा नशा, पाउडर का नशा या दवाओं का नशा बहुत चरम पर चल रहा है, इस तरीके की चर्चाएं हैं। और पुलिस, इसके पहले जो जितने भी पुलिस अधीक्षक यहाँ पदस्थ रहे, उनके द्वारा इस मामले में, इस दिशा में शायद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते यहाँ की युवा पीढ़ी जो आरोप लग रहे हैं, हम नहीं कहते हैं, आरोप इस तरीके के लग रहे हैं कि युवा पीढ़ी नशे की जद में जाती जा रही है। उड़ता पंजाब की तर्ज पर सिवनी भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरीके का आरोप लोगों का है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अब आपको इसके बाद हम आपको जहां लेकर चल रहे हैं, या आप जो देख रहे हैं, ये नेहरू रोड का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। नेहरू रोड पर, नेहरू रोड में विराजी माता रानी आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। एक समय था जब नेहरू रोड, हम आपको बता दें, शुक्रवारी बाजार में अहिंसा स्तंभ से लेकर नेहरू रोड होते हुए नगरपालिका, और नगरपालिका से शंकर मड़िया होते हुए छिंदवाड़ा नाका, ये जो एक सड़क, जो एल शेप में सड़क दिखती है, सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी सप्तमी के उपरांत। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे के अवसर पर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। 70 और 80 के दशक में यहाँ दशहरे में वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए जाते थे, दो पहिया वाहन भी आप यहाँ सर लेकर नहीं जा सकते थे। इसके अलावा पैदल चलने के लिए भी लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। ये अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये एक बार फिर हम नेहरू रोड का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। नेहरू रोड आपको दिख रही होगी, नेहरू रोड पर किस तरह से यहाँ पर झांकी को सजाया गया है। धीरे धीरे नवरात्र के लिए युवा पीढ़ी इस नवरात्र का इंतजार किया करती थी, और नवरात्र में झूमते गाते जब माता दुर्गा के विसर्जन के लिए ले जाया जाता था, और सबसे पहले, सबसे आगे व्यायामशाला चला करती थी, उसके बाद काली माता सबसे पहले होती थी, उसके बाद फिर क्रम के अनुसार दुर्गा प्रतिमाएं एक के बाद एक निकला करती थी, और लगभग 6-6:30 बजे शाम से प्रतिमाओं के निकलने का सिलसिला आरंभ होता था, और नेहरू रोड पर रात भर प्रतिमाएं निकला करती थी। अब वैसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नेहरू रोड का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। नेहरू रोड पर माता विराजी हैं। नेहरू रोड पर 2-3 जगह माता के पंडाल, वहाँ पर पंडाल में माता विराजी हैं। अब नेहरू रोड से हम आपको लेकर चल रहे हैं शुक्रवारी बाजार, शुक्रवारी चौक पर। ये देखिए, यहाँ पर माता रानी विराजी हुई हैं। कितना सुंदर पंडाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। शुक्रवारी बाजार में दीवान महल के ठीक सामने यहाँ पंडाल दिख रहा है। पंडाल के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ विराजी हैं माता, आपको ठीक सामने माता विराजी दिख रही होंगी, और माता के दोनों वाहन, दो जिस पर वो सवार होती हैं, दो शेर यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत सुंदर इस बार सारे दुर्गा पंडालों में बहुत सुंदर तरीके से साज सज्जा की गई, विद्युत सज्जा भी बहुत बेहतरीन तरीके से की गई। इसके अलावा मूर्तिकारों ने भी, ऐसा प्रतीत होता, हर मूर्ति को देखकर यही प्रतीत होता है मानो मूर्तिकारों ने अपनी पूरी कला उड़ेल दी हो, जान उड़ेल दी हो इन प्रतिमाओं के निर्माण में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।